दतिया शहर में हल्की गुलाबी सर्दी के बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला न्यायालय के मार्गदर्शन में दतिया के मजिस्ट्रेट साहब ने दतिया की सड़कों पर उतरकर मोबाइल कोर्ट लगाते हुए मजिस्ट्रेट चेकिंग की। मजिस्ट्रेट चेकिंग होता देख सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जा रहे स्कूली वाहन चालकों के होश उड़ गए। मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों पर वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान करीबन 25 वाहन जब्त किए गए और उनके चालान काटते हुए लगभग 50,000 का जुर्माना वसूल किया गया। दरअसल सुबह झांसी ग्वालियर हाईवे चुंगी पुल के नीचे मजिस्ट्रेट सुरेश वांगरे के साथ सिविल जज दीक्षा दोद्रे, ऋचा गोयल ने मोबाइल कोर्ट लगाते हुए मजिस्ट्रेट चेकिंग की। चेकिंग के दौरान जजेस के साथ यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर होतम सिंह बघेल मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान सड़कों से निकल रहे छात्रों से भरे स्कूल वाहनों को रोककर बारीकी से वाहनों की जानकारी ली गई और उनके दस्तावेज जांच किए गए। इसके दौरान सामने आया कि कई स्कूली वाहनों के पास आरटीओ से संबंधित दस्तावेज नहीं थे, यानी कि ये अवैध रूप से धड़ल्ले से छात्रों को बैठा कर चल रहे थे। वहीं स्कूली वाहनों में छात्रों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। वहीं दूसरी ओर मजिस्ट्रेट चेकिंग का मोर्चा संभालते मजिस्ट्रेट रोहित सिंह राजगढ़ चौराहे पर मोबाइल कोर्ट लगाते हुए चेकिंग करने पहुंचे। इनके साथ लोक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र द्विवेदी, यातायात थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार साथ रहे। चेकिंग के दौरान राजगढ़ चौराहे से निकल रहे स्कूली वाहनों को रोककर चेक किया गया और उनकी बारीकी से फिटनेस और दस्तावेज की जानकारी ली गई। आदेश पर दतिया जिला न्यायालय द्वारा सीजीएम श्री रोहित सिंह साहब द्वारा आज मजिस्ट्रेट चेकिंग की जा रही है। आज मजिस्ट्रेट चेकिंग 3 पॉइंटों पर लगाई गई है, हाईवे पुल के पास और अपने राजगढ़ चौराहे पर। आज काफ़ी वाहन स्कूलों के बच्चों के क्षमता से अधिक पाए गए और सबसे बड़ी बात ये रही आज चेकिंग में कि किसी भी ऑटो में जो स्कूली बच्चे जा रहे हैं उसमें कोई भी कागज उनके पास मौजूद नहीं है। ये गंभीर विषय है, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा क्योंकि माननीय न्यायालय तो अपने समय समय पर चेकिंग कर रहा है। एक सबसे गंभीर मामला ये है कि प्रशासन सख्त नहीं है क्योंकि आज वाहनों में कोई फिटनेस नहीं है, न जाली लगी हुई है सेफ्टी के लिए। सारी गाड़ियों में 20-20 बच्चे भरे हुए हैं ऑटो में, जो कि बच्चों को जान को लेकर काफ़ी खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आज न्यायालय के आदेश पर आज सीजीएम साहब ने चेकिंग करी है और आगे भी ये चेकिंग चलती रहेगी। जिस लापरवाही से ये वाहन चल रहे हैं इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चे हैं छोटे छोटे और मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है और इसमें सबसे बड़ा लापरवाह तो स्कूल भी है। अगर ऑटो वाला लापरवाह है, पेरेंट्स को भी आगे आना होगा। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑटो में छोड़ने जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे अधिक क्षमता में भरे हुए हैं। कुछ अभी आपे ऐसे थे कि इसमें गोदियों में बच्चे बैठे हुए हैं। स्कूल प्रशासन, अभिभावकों को भी सख्त होना पड़ेगा शासन के साथ साथ। हाईकोर्ट तो कर रहा है अपना काम, करता रहेगा, लेकिन शासन को भी सख्त होना पड़ेगा पर डे इसमें चेकिंग। चेकिंग के दौरान कितने पुराने कागज पाए गए? दो साल, 3 दिन, 7 पुराने, जिसमें बीमा नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, कोई भी कागज मौजूद नहीं है। कई वाहन तो ऐसे जिनमें कागज कोई है ही नहीं है, मुश्किल वो ऑटो चल रहा है। इसमें काफी गंभीर मामला है। कुल मिलाकर बुधवार की सुबह मजिस्ट्रेट रोहित सिंह के नेतृत्व में की गई चेकिंग के दौरान लगभग 25 स्कूली वाहन बेनियम जब्त किए गए और उनका चालान काटते हुए करीबन 50,000 का जुर्माना वसूल किया गया। स्कूली वाहनों को पकड़कर कोतवाली परिसर में रखवाया गया। चेकिंग के दौरान दोनों जगहों पर यातायात और पुलिस फोर्स मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, दतिया।